हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा जेबी स्पीकर से आप देख सकते हैं, इसको हम कैसे पेयर कर सकते हैं अपने रियलमी फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं कि जो हमारे फ़ोन के आइकन्स हैं हमारे फ़ोन में इस तरीके से ओपन आएंगे, देख सकते हैं ओपन हो गए। तो हमें स्वाइप करके ऑल आइकन्स ओपन कर लेंगे। तो जो हमारे फ़ोन के ऑल आइकन्स ओपन आएंगे इस तरीके से, इसमें जो हमारा ऑप्शन आ जाएगा सेटिंग्स आइकन्स, क्लिक कर देना। क्लिक करते ही जो हमारी फ़ोन की सेटिंग्स है कुछ इस तरीके से ओपन जाती है, जिसमें से आपको क्लिक कर देना है वाईफाई सॉरी ब्लूटूथ ऑप्शन पे। इसके ब्लूटूथ पे क्लिक करते हैं तो इसमें जो हमारा ब्लूटूथ है ऑफ है, तो उसका हम यहाँ से ऑन कर लेंगे। देख सकते हैं कि जो हमारा ब्लूटूथ है ऑन हो चुका है। तो इसके नेटवर्क के लिए हम इसके यहाँ से ऑन कर लेते हैं स्पीकर्स को। देख सकते हैं यहाँ बटन भी रखा है तो ऑन हो जाएगा। यहाँ से हम ब्लूटूथ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते जो उसके नेटवर्क हमारे फोन में थोड़ी देर में शो हो जाएंगे। इसमें रिफ्रेश हो रहा है नेटवर्क, तो हमें थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमारा ऑप्शन रहता है नहीं आ रहा था, तो ऑफ करके ऑन ऑफ कर देंगे। उसके नेटवर्क हमारे फ़ोन में तुरंत आ जाएंगे, इससे आ चुके हैं। तो आप क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही जो हमारे जेबी स्पीकर्स के नेटवर्क हैं हमारे फ़ोन में पेयर हो जाएंगे। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में, यानी म्यूज़िक वगैरह सुन सकते हैं, और साथ में इसमें कॉल वगैरह भी पिक करके इसमें मतलब वो भी कर सकते हैं, बात वगैरह भी कर सकते हैं कॉल वगैरह पिक करके। तो इस पर फोन की सेटिंग जाकर अपने जेबी स्पीकर्स को हम पेयर कर सकते हैं अपने रियलमी फ़ोन में। तो आप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू।